बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनको मछली खिलाकर थी मारने की साजिश। हम बातचीत कर रहे हैं बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का, जिन्हें पंडित विनोदानंद झा के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से झारखंड के देवघर बिहार जिले के मूल रूप से एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के तहत केंद्रीय कोलकाता कॉलेज और वर्तमान समय के मौलाना आज़ाद कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। वह फरवरी 1961 से अक्टूबर 1963 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। वे 1971 में बिहार के दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से भारत के संसद के निचले सदन 5वीं लोकसभा के लिए चुने गए। वह भारतीय संविधान सभा के 1948 में बिहार से सदस्य भी रहे थे। विनोदानंद झा को लेकर के बड़ी ही दिलचस्प कहानियाँ भी हैं। उन्हीं में से एक है, बिहार में अंग्रेजी शासन और आज़ादी के बाद करीब 5 दशक तक सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंडित विनोदानंद झा स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में भी हिस्सा लिए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में वर्ष 1922, 1930, 1940 और 1942 में लंबी अवधि के लिए वे जेल गए थे। एक बार की जेल यात्रा के दौरान संताल परगना के अंग्रेज कमिश्नर ने उन्हें जान से मार डालने का भी प्रयास किया था, तब ये दुमका जेल में बंद थे। जेल में बंद करने के बाद ग्रेनाइट के चट्टानों को तोड़कर गिट्टी बनाने का काम उन्हें दिया गया था, जिस पर उन्होंने आंखों पर लगाने के लिए खास तरह के गॉगल्स मांगे थे। तब जेल में तहलका मच गया कि कैदी गॉगल्स मां लगाकर पत्थर तोड़ेगा, यह तो कभी किसी ने नहीं सुना था। जाने उन्होंने कहां कहां से प्रमाण जुटाकर आर्चर साहब के सामने रखा और कहा कि अफ्रीका के असभ्य क्षेत्रों में भी जहां यूरोपियन लोगों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है, वहां के मूल निवासियों को यदि जेल में पत्थर तोड़ने के लिए कहा जाता है तो उन्हें गॉगल्स अवश्य दिए जाते हैं। फिर अंग्रेजों का तो दावा है कि उन्होंने भारत को बहुत सभ्य बना दिया है। अंग्रेज अधिकारी आर्चज इस मांग पर झल्ला उठा। उसने क्रोध में यह निश्चय किया कि पंडित विनोदानंद झा को दुमका जेल से स्थानांतरित करके देवघर जेल भेज देना चाहिए। पूरे जेल में तहलका मच गया, क्योंकि आर्चज के राज में कैदियों के ऐसे स्थानांतरण का मतलब लोग बिना बताए समझ लेते थे। कैदी तो खान की जेल की खींचने वाली गाड़ी दुमका जेल से शाम को जाएगी, लेकिन कैदी सुबह देवघर नहीं पहुंच सकेंगे, यह तय था। खानगी समय से हुई विनोदा बाबू को हथकड़ी पहना दी गई और जेल की सिखंजों वाली गाड़ी के भीतर बैठा दिया गया। जेल के हवलदार चौबी जी 4 सिपाहियों के साथ उनके आसपास बैठ गए। सिपाही स्वयं समझ रहे थे कि यह बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है। कोई किसी को बोल नहीं रहा था। उन्होंने हवलदार चौबे से पूछा, क्यों हवलदार साहब, इस समय हमारा मालिक कौन है? चौबे जी ने चौंक कर उनकी ओर देखा और फिर अपनी सहज मुद्रा में उनसे कहा, पंडित जी, आपके मालिक ऊपर भगवान जी हैं और नीचे हम सब सिपाही लोग। विनोदा बाबू जोर से हंसे, ठीक चौबे जी, लेकिन होशियारी रहिएगा, कहीं आपके और भगवान के बीच में आज की रात कोई और ना आ टपके। ठीक उसी समय एक गाड़ी आई और आगे बढ़कर जेल की गाड़ी के आगे सामने खड़ी हो गई। गाड़ी से आर्चज उतरा, आंखें शराब के नशे में लत थी, हाथ में पिस्तौल थी। आर्चज दांत पीसता खड़ा हो गया और कैदी को नीचे उतारने को कहा। चौबे जी के भीतर का देवता जगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि गाड़ी में बैठे हुए कैदी को जीवित अवस्था में देवघर जेल को सौंप दूँ। इस कार्य में बाधा आएगी तो उसे सरकारी कार्य में बाधा माना जाएगा। इस समय सारे अधिकार हवलदार के पास यानी मेरे पास है। इस कार्य में बाधा डालने वालों को कुचल कर रख देंगे। चौबे और उनके सिपाहियों ने बंदूकें तान ली। आर्चज दांत पीसता हुआ और गाली बकता हुआ गाड़ी घुमाकर दुमका वापस चला गया। इस प्रकार विनोदानंद झा एक प्रकार से मौत के द्वार पर दस्तक देकर बाहर आ गए थे। दूसरी जो दिलचस्प कहानी है विनोदानंद झा को लेकर के, कि उन्हें मछली दे करके मारने की साजिश थे। तो बता दें आपको, देश की आज़ादी के बाद ही बिहार की प्रतिस्पर्धता और राजनीति महत्वाकांक्षा के पूर्ति के लिए हद तक जाने वाली रही। राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूरा करने के बाद राजेंद्र प्रसाद बिहार की राजधानी स्थित सदाकत आश्रम में रह रहे थे। 28 फरवरी 1963 में सदाकत आश्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा सरकार पर यह आरोप लगा था कि राजेंद्र बाबू की यथोचित चिकित्सा नहीं हो पाई। इस दौरान विनोदानंद झा को विपक्षी पार्टियों के अलावा कांग्रेस के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ा था।
इसी बीच खुफिया विभाग के हाथ लगी एक चिट्ठी में यह बात सामने आई कि मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की हत्या की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग मुख्यमंत्री को पोटेशियम साइनाइड युक्त मछली खिलाकर मारने की साजिश रच रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चूंकि मुख्यमंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला है, इसलिए कांग्रेस वाले ऐसी हवा बनाकर संकट कम करना चाहते हैं। मामले की तूल पकड़ते ही खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वे ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें कोई क्यों मारना चाहेगा। उन्होंने कहा कि मामले की जांच खुफिया विभाग कर रहा है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ करना ठीक होगा। विनोदानंद झा ने 19 जून 1963 को रांची में आयोजित एक जनसभा में झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय होने की घोषणा की और आदिवासी समाज के बड़े नेता जयपाल सिंह मुंडा को पार्टी में शामिल कराया। अगले ही दिन 20 जून को झारखंड पार्टी के अध्यक्ष जयपाल सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष डी संजीवा रेड्डी के संयुक्त हस्ताक्षर से झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। विलय के पहले विनोदानंद झा ने जयपाल सिंह मुंडा को पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल करने का भरोसा दिलाया। इस बीच एक बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में कामराज योजना सामने आई। मुख्यमंत्री विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री पद इस योजना के तहत छिन गया। उन्होंने इस्तीफा दिया पर उन्होंने वचन दिया कि वह जयपाल सिंह को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र देने के कुछ ही घंटे पहले पूरे तामझाम के साथ जयपाल सिंह मुंडा को काबीना मंत्री की शपथ दिला दी। रांची के राजभवन में राज्यपाल अनंत शयनम अयागर के जयपाल सिंह मुंडा के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विनोदानंद झा ने कहा, जाते जाते भी मैंने अपना वादा पूरा किया।